हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से डबल पेन विंडोज यूज्ड फॉर द इंसुलेटिंग अ रूम थर्मली फ्रॉम द आउटसाइड कंसिस्ट ऑफ टू ग्लास शीट्स ईच ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड द थिकनेस 0.01 मीटर सेपरेटेड बाय 0.05 मीटर थिक सेगमेंट एयर स्पेस इन द स्टेडी स्टेट द रूम ग्लास इंटरफेस एंड द ग्लास आउटडोर इंटरफेस आर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। Calculate the rate of heat flow through the windows panel. Also, find the temperatures of the other interfaces given that the thermal conductivity of glass and air as 0.8 and 0.08 like watt per meter per Kelvin respectively. So, the key concept used here is thermal conductivity, right? And yeah, like if you know the thermal conductivity, that is the rate of heat flow from one surface to the other surface equal to minus of Ka d theta by dl, right? So yahan se hum likh sakte hain, and this is like dq by dt kya, that is heat current, right? That is rate of हीट फ्लो और विसे हीट करंट। राइट, सो हमें क्वेश्चन में लाइक हीट करंट निकालना है, तो हीट करंट क्या हो जाएगा, डेट इज डी क्यू। नाउ उससे पहले हम सिनेरियो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में देख क्या रखा है। लाइक हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, राइट, जिसकी थिकनेस है कुछ, राइट, एरिया इसका एक एरिया दे रखा, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, राइट, एंड इस थिकनेस इज 0.01 मीटर, राइट, एंड बीच में क्या है, इट्स सेपरेटेड बाय लाइक अदर ग्लास है, बट उसके बीच में क्या है, एक लाइक एयर का एक स्पेसिंग है दोनों के बीच में, एंड ये स्पेसिंग कितने का है, दैट इज 0.05 का, एंड ये अगेन कितने का है, 0.01 से, राइट, एंड ये एरिया भी कितना है, डेट इज 1 मीटर स्क्वायर, राइट। सो ये सरफेस एरिया कितना है, डेट इज 1 मीटर स्क्वायर, एंड द सेपरेशन ये गिवन है। नाउ लाइक इनसाइड द वॉल क्या है, डेट इज 27 डिग्री सेल्सियस है, एंड आउटसाइड द वॉल क्या है टेम्परेचर, डेट इज 0 डिग्री सेल्सियस है। सो जो हीट फ्लो होगा लाइक कैसे फ्लो होगा, अंदर से बाहर की ओर, राइट, एंड यही हमसे लाइक हीट करंट ऐसे फ्लो होगा, एंड हमें ये निकालना है। सो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेट इफेक्टिव लाइक यहाँ पे के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है फॉर द ग्लास एंड द एयर, सो हमें इफेक्टिव के की वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो इफेक्टिव लाइक और भी से के नहीं, डेट इज रेजिस्टेंस, या भी से हीट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना पड़ेगा, एंड हीट रेजिस्टेंस क्या होता है, डेट इज एल अपॉन के, राइट। सो हमें दिस इज द इफेक्टिव लाइक दिस इज द हीट रेजिस्टेंस, हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या लाइक ये सीरीज में कनेक्टेड है लाइक, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, राइट, एंड हमें पता है लाइक ये एंड ये इक्वल होंगे, तो हम यहां से निकाल सकते हैं एल अपॉन लाइक ये दोनों इक्वल होंगे, लाइक ये आर वन है, ये आर टू है, एंड ये आर थ्री है, दोनों का लेंथ इक्वल, एरिया इक्वल, राइट, एंड के इक्वल, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो डेट इज टू ऑफ आर ऑफ ग्लास प्लस आर ऑफ लाइक एयर। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डेट इज आर इक्विवेलेंट इक्वल टू टू इंटू आर क्या हो जाएगा, डेट इज एल अपॉन एल ग्लास का क्या है, डेट इज 0.01, राइट, अपॉन के, के गिवन है, डेट इज 0.8 इंटू ए, एरिया क्या है, डेट इज 1 मीटर स्क्वायर, राइट, प्लस L for the air, that is 0.05 upon 0.08 into 1, right? So, इसे solve करेंगे तो हमारे पास R equivalent आ जाएगा, that is equal to, ये cancel out हो जाएगा, right? So, यहाँ पे आ जाएगा 10 to power minus 1, and ये 2 से cancel out, 4 हो जाएगा, right? यहाँ पे ये and ये cancel out हो जाएगा, so हमारे पास आ जाएगा 5 upon 8 plus 0.4, और 0.4
दिस इज 10^-1 अपॉन 4, राइट। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 5.2/8, राइट। दिस इज आर इक्विवेलेंट, सो आई क्या हो जाएगा, दैट इज रेट ऑफ हीट फ्लो क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा थीटा अपॉन लाइक आर इक्विवेलेंट। सो ये आ जाएगा डेल्टा थीटा क्या है, अंदर 27 एंड बाहर 20 लाइक 0 डिग्री। सो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 27 अपॉन 5.2/8, राइट। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आई आ जाएगा 41.538, राइट। और इसे देखिए हमारे पास आई आ जाएगा दैट इज जूल पर सेकेंड। नाउ हमें आई पता चल गया एंड हमें क्वेश्चन में हर एक सरफेसेस के बीच का लाइक सरफेसेस पे थीटा की वैल्यू क्या होगी वो पूछा गया, राइट। तो लेट से इस पे थीटा 1 है एंड थीटा 2 है, राइट। तो आई यहाँ से यहाँ फ्लो करने में लाइक ये थीटा 1 है तो रेट ऑफ करंट तो आई ही होगा, राइट, क्योंकि सीरीज में है तो करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। पर जो ड्रॉप आएगा लाइक जो आई की वैल्यू यहाँ से लाइक फर्स्ट क्लास सरफेस के लिए होगा वो हो जाएगा दैट इज आई इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन आर ऑफ वन फर्स्ट सरफेस, राइट। डेल्टा थीटा ऑफ आर ऑफ फर्स्ट सरफेस दैट इज डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा दैट इज 27 पहले था एंड बार में थीटा 1 हुआ तो ये हो जाएगा 27-θ1 अपॉन इसका आर क्या हो जाएगा दैट इज एल अपॉन के, राइट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज 27-θ1 अपॉन एल था 0.01, राइट, अपॉन के की वैल्यू 0.8, राइट, एंड एरिया 1। सो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई एंड आई हमें पता डेट इज 41.538 इंटू 0.01, राइट, दिस इज 0.01 अपॉन 0.8 इक्वल टू 27-θ1। सो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा 1 आ जाएगा डेट इज 27-0.52, राइट। सो इसे सॉल्व नाउ थीटा 1 क्या हो गया हमारा डेट इज 26.42, राइट। सो दिस इज आवर थीटा 1। नाउ हमें थीटा 2 निकालना है। सो थीटा 2 के लिए क्या होगा, करंट तो सेम ही होगा, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे सो हमारे पास थीटा 2 आ जाएगा, राइट। सो आई इक्वल टू क्या लिख देंगे अगेन लाइक इनर सरफेस का है क्या है डेट इज थीटा 2 है एंड आउटर सरफेस क्या है डेट इज 0 डिग्री पे, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा थीटा डेट इज थीटा 2 अपॉन आर 2, राइट, दिस इज द रेडियस लाइक आर 3, करेक्ट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा थीटा 2 अपॉन आर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम एज आर 2 हो जाएगा, राइट, डेट इज 0.01 अपॉन 0.8, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू आई, नाउ थीटा 2 हमारा आ जाएगा डेट इज आई इंटू 0.01 अपॉन 0.8, राइट। सो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा 2 इक्वल टू आ जाएगा डेट इज 0.52, राइट, क्योंकि हमारा आई क्या है और भी यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देते हैं डेट इज 41.538, राइट। सो ये हमारा थीटा 2 हो जाएगा, राइट। सो द आवर फाइनल आंसर दैट इज द फाइनल लाइक रेट ऑफ हीट फ्लो क्या हो जाएगा दैट इज dQ/dt इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास दैट इज 41.538 जूल पर सेकेंड, राइट। थीटा 1 क्या आ गया और रेट से अगर हमारे पास सरफेस है तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गया सरफेस 1 पे दैट इज 26.48, राइट, एंड थीटा 2 दैट इज द अदर सरफेस पे क्या आ गया दैट इज 0.52, राइट। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।